ये हम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि स्टडी द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। है ना, तो ये हम पढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स तो हम जानते ही हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आप नाइन्थ वगैरह में पढ़ते आ रहे थे वही इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होते हैं, है ना। मेनली तीन ही होते हैं लेकिन नॉर्मली हम एक और पढ़ लेते हैं, है ना। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स और उसके एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम आ जाता है, इसको डिराइव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेशन सबसे पहले करना होगा। डेरिवेशन अभी हम जो कर रहे हैं वो कैलकुलस मेथड से कर रहे हैं, बाद में इसका ग्राफिकल मेथड भी आएगा। तो अभी जो आप डेरिवेशन कर रहे हो कैलकुलस मेथड से कर रहे हो, डेरिवेशन एकदम आसान है। हम जानते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू जो होता है वो ds बाई dt होता है, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो वेलोसिटी होती है, और जो एक्सलेशन होता है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, है ना। आप थोड़ा रखना, एक्सलेशन को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। एक्सलेशन की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ds बाई dt, इसको मैंने ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दिया, है ना। और अभी आपने बोला ds बाई dt वेलोसिटी होगी, तो एक्सलेशन को कई बार हम ऐसा भी ले सकते हैं, v इंटू dA बाई ds, है ना। तो ये तीन लाइन का कंसेप्ट ही आपको याद रखना है। सबसे पहले चीज वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन क्या होता है, dA बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सलेशन को नॉर्मली हम v इंटू dA बाई ds भी ले सकते हैं। मैंने ds और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो ds बाई dt होगा, है ना, ये वाला जो टर्म होगा, ये ds बाई dt वेलोसिटी तो होगी, है ना। ये चेन रूल हम अप्लाई कर देंगे कि अगर एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s दिया हुआ है, तो एक बार मैं s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर टाइम वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये चीज v है, तो v इंटू dA बाई ds भी आ जाएगा। तो इसी तीनों चीजों के ऊपर सारा कुछ बेस्ड है, कि जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम इसी को यूज करके सारे फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, है ना। v इज इक्वल टू ds बाई dt, a इज इक्वल टू dA बाई dt, और a इज इक्वल टू v इंटू dA बाई ds। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हम ड्राइव करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन के लिए सिंपल सा आप ये वाला यूज कर लो, ए वाला, भाई ए इज इक्वल टू होता है dA बाई dt, भाई ये फॉर्मूला इसी चीज का तो है कि भाई t इज इक्वल टू जीरो पे कोई पार्टिकल अगर यहाँ पे था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज u थी, तो किसी t टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी अगर इसका एक्सलेशन ये है तो, है ना। तो वही v और u और मेरा रिलेशन है ये, है ना। तो इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, कि जो भी सिचुएशन है वो प्लॉट कर लेंगे हम इस तरह से, इसी को इंटीग्रेट करके ये इक्वेशन आ जाएगी। आप इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, dt को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो dv इज इक्वल टू आपका आ जाएगा a इंटू dt, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दोगे और लिमिट पुट कर दोगे कि टाइम जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू, और किसी टी टाइम पे आपको वी निकालना है, है ना। तो आप देखो यहाँ इंटीग्रेट करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, एक को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जाएंगे या अंदर ही रखेंगे। तो आप क्या सोचते हो, ए इंटीग्रेशन साइन के बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर। बाहर क्यों? क्यों बाहर? क्योंकि कॉन्स्टेंट है। हाँ, वो लेना पड़ेगा कॉन्स्टेंट। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तभी वैलिड है When acceleration is constant, है ना, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम acceleration को बाहर नहीं ले सकते थे। When acceleration is constant, मतलब equation of kinematics तभी valid होता है जब acceleration की value constant होती है, अदरवाइज तो हम integration sign से इसको बाहर नहीं ले पाएंगे। अगर ये भी किसी time वगैरह का function होगा तो अंदर में रख के integrate करना पड़ेगा, वो variable integration acceleration के question बाद में आएंगे, अभी तो हम constant acceleration की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका हम कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सलेशन की बात कर रहे हैं, जो भी हम मोशन पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सलेशन, यहां से आपका आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इस ए को आप बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी आ गया, तो डीवी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, लिमिट आपकी यू से वी तक हो गई, ए इंटू डीटी की इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, लिमिट जीरो से टू हो गई, पहले वी की जगह वी माइनस करके वी की जगह पर यू, यहाँ पे वी माइनस यू आ गया, ए इंटू टी आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस एट, है ना। इसके डेरिवेशन के लिए मैंने ये वाला यूज किया है, a इज इक्वल टू डी बाई dt, क्योंकि ये रिलेशन वेलोसिटी एक्सलेशन और टाइम को रिलेट करता था, और ये भी उसी को कर रहा है, वेलोसिटी एक्सलेशन एंड टाइम को कैलकुलस मेथड से डिराइव कर लिया।
है ना, तो ये तो आपका फर्स्ट आ गया। ये आपका होगा फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पे, हाँ, कि अब हम डायरेक्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, है ना। सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करता है ना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को रिलेट करेगा, कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यह आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख लूंगा कि v इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, है ना। यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है तो डी एस इक्वल टू आपका v इंटू डी टी हो जाएगा, और इसी चीज को आप इंटीग्रेट कर लोगे, है ना। v को हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि v तो वेरिएबल है ना, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी। आपको ये तो निकालना है कि पहले t इक्वल टू जीरो पे अगर इसकी वेलोसिटी u थी, इसमें कोई एक्सेलरेशन a लग गया, तो किसी t टाइम के बाद जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, तो उस टाइम तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से हम v को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि v तो वेरिएबल है ना, v चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो v की जगह पे आप ये पुट कर दो यहाँ पे कि भाई v इक्वल टू यू प्लस at तो होता है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो आप। यहां से आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू यू प्लस एटी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट आपको एस निकालना है, कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी थी, जीरो। किसी भी टाइम पे आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, एस आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यू से डी टी मल्टीप्लाई होगा तो डी टी का तो टी हो जाता है, और टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू होता है। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, है ना। आप ध्यान रखना ये जो रिलेशन है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका एक और फॉर्म भी है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन की वैल्यू को ये लिख दूं यहाँ पे, वी माइनस यू बाई टी, ये तो होता ही एक्सप्रेशन ना। एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, टाइम हटा दूं, यहां से एक्सप्रेशन की वैल्यू के टर्म्स में नहीं बल्कि v एंड u के टर्म्स में लिखूं, तो s की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी, v प्लस यू बाई टू इंटू टी आ जाएगा, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना, इस केस में s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टू आ जाएगा, है ना। इसी को कई बार हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो दोनों फॉर्म जानना कि भाई बेस्ड ऑन द सिचुएशन। इस सेकंड इक्वेशन से फायदा ये है कि अगर u एंड v दिया हुआ है और टाइम दिया है तो सीधे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो एक ही जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये रिलेशन आपका जाएगा। तो जो सेकंड इक्वेशन काइनेटिक्स है उसी का ये डिफरेंट फॉर्म है, और v प्लस यू बाई टू v एवरेज हो जाएगा, इसको हम टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका सेकंड आपका इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आ गया। तो इंटीग्रेट करके आपने इसको ड्राइव कर लिया। तो ये वाली इक्वेशन हर जगह वैलिड है ना, v प्लस u बाई टू इनटू t, हर जगह एवरीवेयर, ओके सर, रहना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। कि भाई ये एक ही चीज है दोनों, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी ये वैलिड होगा, ये भी तभी वैलिड होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो इस तरह से आपने कर लिया, ऐसे वेरिएबल एक्सेलरेशन की तो हम बातें नहीं कर रहे अभी, वेरिएबल एक्सेलरेशन तो एक अलग टॉपिक होता है। इसे ऐसे हम आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, इसमें टाइम नहीं आता है। अब देखो अभी तो आपने पढ़ा था कि a इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डी बाई डी एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं v dv की वैल्यू जो होगी वो आपका a इंटू डी एस हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो वेलोसिटी यू थी, जब डिस्प्लेसमेंट एस हो गया तो वेलोसिटी वी हो गई,
तो वी डीवी का इंटीग्रेशन जो होगा ना वो वी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी यू से वी तक, है ना, कि लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी इसके लिए आपकी। हाँ अमृत राज बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा ये आ नहीं रहा है क्या, चेक करो जरा सा, आना तो चाहिए यार, है ना, ये सॉल्व करके आ नहीं रहा है आपका। देखो जरा एस स्क्वल टू आपने लिख दिया यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया वी माइनस यू इंटू टी स्क्वायर बाई टी, तो टी टी तो कैंसिल हो गया है ना। अब यहां से आप सॉल्व करो इसे, तो टू को एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी टू यू टी, है ना, प्लस आप यहाँ पे आ गया वी टी माइनस यू टी आ गया बाई टू आ गया, वही तो आ गया, सही तो आ रहा है। यस सर। नो सर, वो दोबारा पूछ रहे हैं सर, अब ठीक है सर। हाँ वही बात है ना, वो आ जाएगा आपका, उसी को हम ले सकते हैं वी एवरेज इनटू टाइम। यस इंटीग्रेट कर लूंगा तो इसको, इंटीग्रेट करूंगा तो इसका तो ये आगे ए बाहर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट एस का एस हो जाएगा और इसकी लिमिट जीरो से एस हो जाएगी। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस आपका हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एस आ गया, तो इससे आपका वही चीज आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। तो इक्वेशन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम इसको अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में रिक्वायरमेंट वाइज हम इसको क्या करेंगे यूज करेंगे। थ्री क्वेश्चन ऑफ कैनोनिक्स जैसा जैसा आपके बुक में सीक्वेंस दिया हुआ है ना उसी सीक्वेंस में पढ़ाता जाऊंगा आपको, है ना, और आप धीरे धीरे उसको करते जाऊंगे, है ना, कोई भी इधर उधर वेरिएशन हम करेंगे नहीं, जैसा इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है सेम सीक्वेंस में आई विल टीच यू सो दैट आप करते रहो धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे आपका सिलेबस प्रोग्रेस होगा आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो आपके थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स होती हैं, इस सबको आपने डिराइव भी कर लिया। एक और आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड, एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं, दैट इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड, ये भी एक फॉर्मूला होता है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है दैट इज योर फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट इन, है ना, एन एस सेकेंड, एन एस सेकेंड, ये एन एस सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। अब एन एस सेकेंड का मतलब आप समझना, एन एस सेकेंड का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एन माइनस वन टू एन सेकेंड, है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट एन सेकंड का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रॉम एन माइनस वन टू एन सेकंड, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, है ना, एन माइनस वन टू एन सेकंड। जैसे किसी ने बोला कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, कि आपको निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फ्रॉम टू टू थ्री सेकंड, कि भाई दो से तीन सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड का मतलब हो जाएगा थ्री और फोर के बीच में डिस्प्लेसमेंट इन, अगर कोई फोर्थ सेकंड बोलता है तो बेसिकली आपका हो जाएगा फ्रॉम थ्री टू फोर सेकंड, है ना। तो लैंग्वेज में आप जानना, जैसे कि अगर आपसे कोई किसी ने ये बोला कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, एनथ वर्ड यूज नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, ये लैंग्वेज अलग हो गई। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड का मतलब हो जाएगा कि पूरे, जैसे यहां से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर यू है, एक्सेलरेशन ए लग रहा था टी इक्वल टू जीरो पे, तो ये एन सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, इसलिए आपके एन सेकेंड हो गए, वेलोसिटी कुछ भी हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट एन सेकेंड का मतलब ये चीज है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, एस एन।
ये निकालना तो एकदम आसान है, आप सीधे फॉर्मूला यूज कर लोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा कि पूरे जीरो से लेके एन सेकंड के बीच में इसका वैल्यू आपकी हो जाएगी यू इंटू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर, बाय टाइम की जगह पे एन पुट कर देंगे हम। लेकिन ये चीज वो नहीं है, जब वो वर्ड यूज करेगा एन एस सेकंड, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, कि भाई जीरो से लेके एन सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट इसका एस एन है, तो एस एन की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एन सेकंड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एन माइनस वन टू एन सेकंड, मतलब यहाँ पे जस्ट हम बात कर रहे हैं कि t इक्वल टू जीरो पे अगर बॉडी की वेलोसिटी u है, एक्सलेशन इसमें ये लग गया है ना, तो किसी ये एन माइनस वन टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी उससे मतलब नहीं है आपको, एन सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी उससे आपको मतलब नहीं है, है ना। तो जो n माइनस वन से n सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, th लगा दोगे आप यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। एकदम निकालना आसान है, आप n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, n माइनस वन सेकंड के निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, वही तो होगा कि भाई n सेकंड के बाद पार्टिकल जो होगा वो यहां पहुंच गया पूरे n सेकंड में। इसको आप एस एन पहले अभी निकाल ही चुके हो, आप एन माइनस वन में ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस एन माइनस वन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एन एस सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो एन एस सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, किसी पर्टिकुलर एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो एस एन से हम एस एन माइनस वन माइनस कर देंगे, तो एस एन तो अभी आपने लिख दिया यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे एन माइनस वन टाइम का, बस वही टाइम की जगह पे एन माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा इसलिए आपका यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर, ये आपका एस एन हो गया और ये एस एन माइनस वन हो गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एन माइनस एन से एन सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा कि एन एस सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, ये भी एक फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है बेसिकली आपको मेमोराइज करना है। और ध्यान रखना इसमें जब भी मैं एस जहां भी लिख रहा हूं ये सारा चीज फॉर्मूले में एस जो होता है वो डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। हाँ अगर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है और कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों चीजें का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये जो फॉर्मूले में सारी चीजें आ रही हैं वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एन सेकंड आपका आ गया, तो ये भी एज ए फोर्थ फॉर्मूला हम ध्यान रखते हैं यू प्लस हाफ ए इंटू क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन, तो इस तरह से हम इसको अटेंड करेंगे। आज आपका टेस्ट हो गया क्या? टेस्ट हो गया बेटा? हाँ जो आज होने वाला था ना, नहीं नहीं आज जो दिल्ली में टेस्ट होने वाला था तो वो कल दिल्ली का नाइंथ को है। अच्छा अच्छा मंडे को होता है, दिल्ली में मंडे को होता है, सही बात सही बात सही बात, दिल्ली में तो मंडे को होता है। ये आप खाते ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले के ऊपर बेस हम न्यूमेरिकल आज अटेम्प्ट करेंगे है ना, किसी फोर फॉर्मूले के ऊपर बेस वी विल अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, तो वन बाय वन में शेयर करूंगा उसको आप थोड़ा ट्राई करो है ना। आज एक चीज और भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूल गया, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट है ना, कि भाई क्या चीज हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे है ना, कि भाई इस सारे फॉर्मूले में हम पॉजिटिव नेगेटिव कैसे यूज करेंगे है ना, टेकिंग साइन इस पूरे फॉर्मूले में हाउ टू टेक द साइन, हाउ टू टेक साइन
इसके बारे में किसी को आइडिया है क्या भाई? ये साइन हम कैसे लेंगे, साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना, कि भाई जैसे वेलोसिटी है कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, एक्सलेशन है कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, है ना? तो अलोंग द मोशन पॉजिटिव लेते हैं जनरली। हाँ नहीं ऐसा नहीं बेटा, देखो ये कार्टेशियन प्लेन, हाँ वो भी बोल सकते हैं हम इसमें। और बताओ क्या चीज ले लेंगे हम इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले सकते हैं हम? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होगा। हाँ मतलब जो भी आपकी चीज एक्सिस रेफरेंस के अलोंग है वो पॉजिटिव होगी, और जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अपोजिट है वो नेगेटिव हो जाएगी। बिन सिंपल सा यही रूल है, जब भी इस फॉर्मुले में पॉजिटिव नेगेटिव यूज करोगे ना तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर है ना, इसी को यूज करना आप इसमें, टेकन अलोंग द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, अलोंग द एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना इज पॉजिटिव। कोई भी चीज जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस जो भी आपने चूज की उसके अगर अलोंग है तो पॉजिटिव होगी, एंड अपोजिट टू इट इज नेगेटिव। इट इज नेगेटिव मतलब जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे ना तो एक एक्सिस ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, तो जो भी चीज उसके अलोंग होगी वो पॉजिटिव होगी और जो उसके अपोजिट होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये मेन कंसेप्ट होता है एक्सिस का, मतलब ये है कि आप पहले एक्स वाई एक्सिस चूज कर लो है ना, एक्सिस आप कहीं भी कैसे भी चूज कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने चूज कर लिया तो सारी चीजें उसी के अलोंग लेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कोई पार्टिकल था, ये फर्स्ट पार्टिकल है ना, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी राइटवर्ड है यूएसए, और इसका जो एक्सलेशन है वो पीछे की तरफ है ना, तो ऑब्वियस बात है यूज केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, यू जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी वी ले लो इसे, इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड है एक्सलेशन बैकवर्ड है, तो वेलोसिटी आपके एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और एक्सलेशन आपके एक्स एक्सिस के अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो भी चीज आपके एक्सिस के अलोंग होती है वो पॉजिटिव ले लोगे, और जो उसके अपोजिट होगी वो क्या ले लेंगे, इसलिए आपके नेगेटिव ले लेंगे। ऐसे अगर सेकंड कोई पार्टिकल है इसका वी इस तरफ है तो, बट लेने के लिए तो हम वी नेगेटिव भी ले सकते हैं फिर ए को पॉजिटिव। हाँ ले सकते थे अगर हम उस केस में, फिर मुझे एक्सिस ऐसा चूज करना होगा ये मेरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस है ना, तो आपका एक्सिस ऑफ रेफरेंस आपने मेंटली चेंज कर दिया, लेकिन जो एक्सिस कन्वेंशन है नॉर्मली हम इसी को यूज करते हैं, तो वी पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में वी इस तरफ है ए इस तरफ है ना, तो यहाँ पे भी वी क्या हो जाएगा इस केस में, नेगेटिव हो गया और ए भी नेगेटिव हो गया है ना, कि वी और ए दोनों एक्सिस के अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो कई बार अब लगता है कि भाई एक्सलेशन और रिटार्डेशन फिर क्या चीज होती है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई रिलेशन नहीं है। जिससे हम पढ़ते हैं ना कि एक्सलेशन हम पॉजिटिव ले लेंगे रिटार्डेशन नेगेटिव ले लेंगे, वो बहुत मतलब लोअर लेवल के लिए वो सही चीज है, अदरवाइज एक्सलेशन और रिटार्डेशन का मतलब डिफरेंट होता है। जैसे आप बताओ कि इसमें फर्स्ट पार्टिकल एक्सलेट होगा या रिटार्ड होगा, फर्स्ट पार्टिकल रिटार्ड, और सेकंड पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट, लेकिन दोनों में एक्सलेशन तो नेगेटिव है तो, क्योंकि सेकंड में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम है, मतलब साइन सेम है, बिल्कुल सही है। तो एक्सलेशन और रिटार्डेशन को साइन से मतलब नहीं है, एक्सलेशन रिटार्डेशन का मतलब होता है कि बॉडी अगर एक्सेलरेट हो रही है, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सलेशन आर इन सेम डायरेक्शन, जब भी वेलोसिटी एंड एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बॉडी एक्सलरेट होती है, और बॉडी रिटार्ड कब होगी, जब वेलोसिटी एंड एक्सलेशन अपोजिट होंगे है ना, रिटार्डेशन तब होगा व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना आप इसमें, एक्सलेशन रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो डिसाइड करता है आपने एक्सिस क्या लिया हुआ है ना, जैसे वी पॉजिटिव और ए नेगेटिव मतलब दोनों अपोजिट है, तो रिटार्डेशन होगा,
दोनों नेगेटिव मतलब सेम डायरेक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो जो एक साइन है ना, साइन कन्वेंशन जो है वो मतलब कि एक्सेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो भी चीज़ इस एक्सेस के अलॉन्ग होगी उसको आप पॉजिटिव ले लोगे, और उसके अपोजिट जो चीज़ होगी उसको हम क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, है ना। इस एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग हम साइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना, कि भाई उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं पॉजिटिव निगेटिव हम ले रहे हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव लेने लेना है जो आपने एक्सेस चूज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये थोड़ा समझना होगा। हाँ भाई, लोअर क्लासेस के लिए सही है कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा रिटार्डेशन निगेटिव होगा, वहाँ पर इससे काम चल जाता है आपका, लेकिन अब काम नहीं चलेगा, अब कई क्वेश्चन में फिर आपको मिस्टेक्स होने लगेंगे अगर उस तरह से आप यूज करोगे तो। ये आप लिख लो, ये एक्सेस ऑफ रेफरेंस का जो कंसेप्ट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, इसलिए मैंने होल्ड कर दिया, इसके बिना फिर करना सही नहीं, हालांकि अभी यूज नहीं होगा ये, अभी तो बहुत सिंपल सा ही करेंगे हम, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। तो आई शेयर द क्वेश्चंस। क्या हो गया ये, वन बाय वन आई विल शेयर द क्वेश्चंस।
देवश्मिता आपका आंसर सही है। हाँ नवयाव आपका आंसर सही है। सही है ना, इसमें सीधे फॉर्मूला ही तो यूज करना है आपने, या तो कुछ करना ही नहीं है आपको। पहले डायग्राम हमेशा बना लिया करो, फिजिक्स में स्टेप ऐसा होता है। तो यहाँ पे कोई आपकी कार है ना, कार अभी मूव कर रही थी किससे, 108 किलोमीटर पर आवर से, है ना। आपने एक ब्रेक लगाया, ब्रेक का मतलब इसको रिटार्ड किया, रिटार्ड करके आपने इसकी स्पीड कम करके आप ले आए, पुलिस वाले ने तो पकड़ लेगा ना, चालान हो जाएगा। इसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, और इतने में आपको 88 मीटर आपने ट्रेवल कर लिया। ये सिचुएशन है ना। अब ये सिचुएशन इसने पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, आप देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, कि फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है एंड क्या दिया हुआ, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। मेरे ख्याल से टाइम तो पहले ही आ जाएगा, है ना। अब ये चीज है, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 108 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। 108 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से, है ना। किससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए आपके 5/18 से, तो ये आपका 30 आ जाएगा। करना पड़ेगा क्योंकि बाकी चीजें आपको ये मीटर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चल सकते। और 72 आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो 30 से 20 करना है आपको, है ना। सही बात है अमृत राव, सही आंसर। अब मुझे लगता है ना कि स्क्वायर स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा, वैसे स्क्वायर वाला भी कर सकते हो कि चाहो तो आप इससे सॉल्व कर लो भाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, ऐसे ही तो होता है। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 20 स्क्वायर हो गई, है ना, यू स्क्वायर की वैल्यू आपकी 30 स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 2a 88 आ जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू -2.84 आ जाएगी, है ना। माइनस का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। उसने एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, है ना। कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका रिटार्डेशन। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया नेगेटिव, उतना एक बार फर्स्ट पार्ट आ गया तो ये बोल रहा है कि भाई टाइम कितना लगेगा, तो टाइम जो लगेगा हम इससे निकाल सकते हैं, v is equal to u plus 80 से। तो v आपका है 20, u आपका है 30, ये आपने माइनस ले लिया है 2.84 इनटू टाइम निकालना है, तो टाइम की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3.52 सेकंड्स हो जाएगी। तो ये चीज़ है, एज पर रिक्वायरमेंट इस सभी इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे मुझे पता है कि फाइनल v पता है मुझे, इनिशियल u पता है और s पता है और a निकालना है, तो इससे ही आएगा। एक बार ए आ गया तो टाइम वाला रिलेशन में पुट करके हम इसे ये निकाल सकते हैं, है ना। वैसे ज्यादा अच्छा ही होता
कि आप ये वाला यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इससे टाइम ज्यादा अच्छे से आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट 88 है, वी की वैल्यू आपकी 20 है, यू कितना है आपका 30 है बाई 2, यहाँ से टाइम आ जाएगा। और एक बार टाइम आ गया तो एक्सटेंशन से निकाल लेते हैं। इसमें आपने क्या किया, एक्सटेंशन निकाल के टाइम निकाला है, इसको यूज करके पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, बाद में इसी से एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। तो जो भी आपको लगता है सुटेबल, जो भी लगता है उसको अप्लाई करना है और आंसर देना है सबको। भाई सब लोग सॉल्व करो, एक दो लोग ही सॉल्व करते हैं, बाकी लोग आंसर का वेट करते हैं, ये सर तो बताएंगे। तो सबको ट्राई करना चाहिए क्लास में, नहीं तो फिर वीडियो लेक्चर ही देख लेना। जब घर क्लास का मतलब होता है ट्राई करके इंटरेक्शन करेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, है ना। इससे भी कर सकते थे हम, इससे क्या होता टाइम आ जाता, फिर इस टाइम वाले को इसमें यूज करके ये निकाल लेते हैं, तो दोनों से आंसर आपका ये आ गया कि एक्सेशन की वैल्यू आपकी ये आ गई और जो टाइम होगा उसकी वैल्यू आपकी आ गई। इस तरह से कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स इसमें यूज करना है। ये आपका गैसेस है ना, तो ये हम इस तरह से अटेंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। नविया एक आंसर सही है, गलत है। डिस्प्लेसमेंट सही है, डिस्टेंस गलत है। हाँ
डिस्टेंस ही नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं। हाँ रितिका रानी फाइनली योर आंसर इज करेक्ट, आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आपने बताया है ना, इन्होंने सही बताया है ना, इनका बिल्कुल आंसर सही है ना, ये नहीं आ रहा है। रितिका रानी का आंसर सही है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो -30 मीटर आ रही है, और जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये तो कभी निगेटिव होती नहीं है, ये 50 मीटर आ गई है, तो -30 मीटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो होगा -50 मीटर हो जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व मैं आपको बताता हूँ, कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है ना, बस ये पता है मुझे कि टी स्क्वल स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब मुझे यू पता है और एक्सलेशन पता है, एक्सलेशन रिटार्डेशन, सॉरी एक्सलेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, ये है ना, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट बनाओगे आप इसे, तो वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में आपने लिया है उसके अपोजिट हो जाएगी, ये टेन है और ये आपका है रिटार्डेशन की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा मुझे उसके पाथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ आइडिया नहीं, जाके वापस भी तो आ सकता है ना, तो मैं क्या करूँगा वही एक्सेस चूज करना पड़ेगा सबसे पहले आपको, आप एक्सेस चूज कर लिया करो उससे आसानी होती है, कि ये मेरा एक्सेस ऑफ रेफरेंस है एक्स एंड वाई एक्सेस, तो ऑरिजिन से ही मैं स्टार्ट करता हूँ, ऐसे कहीं और से भी कर सकता था, लेकिन ऑरिजिन पे ले लेते हैं, यहाँ पे इसकी पार्टिकल जब स्टार्ट हो रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर एक रिटार्डेशन लग रहा था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट जब सॉल्व करोगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे फॉर्मूले से ही आता है, एस इक्वल टू आपका हो जाएगा यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है डिस्टेंस का नहीं, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम आपको दिया हुआ है 6 सेकंड, 6 हाफ ए, ए आप देखो एक्सिस के अपोजिट है -5 हो जाएगा इंटू 6 का स्क्वायर। हाँ बेटा छोड़ सकते हो खुशी कुमारी, थैंक यू सर, जिनके भी टेस्ट हैं दे कैन लीव, ये आप आ गया, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, तो उससे जैसे आप सॉल्व करोगे ना आप इसमें, तो ये आपका -30 मीटर आ जाएगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सकते आपका -30 मीटर, मतलब फाइनली ये जो बॉडी थी ना वो यहां पहुंच जाएगी इस जगह, मैं टी स्क्वायर 0 पे ऑरिजिन पे ले लिया है, बाद में -30 का मतलब इधर नहीं होगी, इधर पहुंच जाएगी कहीं पे, यहाँ -30 मीटर पे आ गई है ना, माइनस माने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो एक्सिस के अपोजिट पहुंच गई होगी, तभी तो नेगेटिव आ रहा है, अगर इधर पहुंची होती तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आता है ना। अब हम देखेंगे कि पहले जा तो इधर रहा था पहले, लेकिन फाइनली यहां पहुंच गया, मतलब कहीं ना कहीं इसने टर्न लिया होगा तभी तो ऐसा हुआ है ना, कि कहीं पे जाके इस तरह से ये मोमेंटली रुका होगा फिर वापस आया होगा, 6 सेकंड के बाद ही यहां पे पहुंच गया, वही आ गया। जब भी ऐसा केस होता है ना तो हमें देखेंगे किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी है ना, कि भाई वो टाइम निकाल लेंगे जब वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0 हो जाएगी, या इससे निकाल लो सबसे अच्छा, हाँ या टाइम निकाल लो, टाइम डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट करके एरिया से, अभी ग्राफ वगैरह मैं जानते ही नहीं, उससे भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, अभी ग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा, वो उससे भी कर सकते हैं, सही बोल रहा हूँ, टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0 है ना,
तो टाइम एंड वेलोसिटी इज जीरो, v इज इक्वल टू u + at ले लेंगे, तो v जीरो करना है, u की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 5 इंटू t, मतलब 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो होगा इसमें, और इधर गया 6 सेकंड के बाद तो यहां पहुंचा है, लेकिन जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो इस 2 सेकंड में कुछ आगे चला गया होगा ना, ये वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना आगे चला गया होगा 2 सेकंड में, ut + half t स्क्वायर, भाई इस 2 सेकंड में कितना आगे चला गया होगा वो आप निकाल लो, तो s तो मुझे निकालना है, u की वैल्यू कितनी है आपकी 10, टाइम 2 सेकंड ले लिया आपने, तो माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो इससे s की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। अब ध्यान रखना कि भाई फाइनली तो ये माइनस 30 पे पहुंच गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन राइटवर्ड थी ना, मतलब तो राइटवर्ड जा रहा होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगी, मोमेंटली कहीं ना कहीं ये रुका होगा, फिर वापस अपने टर्न करके यहाँ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर तो इससे आ जाता है सीधे, इसमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डिस्टेंस में आप सोचना पड़ेगा, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस में आपका ये चीज 10 मीटर ही तो आ गई, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है 10 मीटर के बाद, तो जब मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस में तो सारी चीजें ऐड होती जाती है ना, तो पहले ये इधर 10 मीटर गया, फिर ये वापस 10 मीटर ओरिजिन पे आ गया, प्लस 30 मीटर और इधर गया, तो टोटल डिस्टेंस इसने 50 मीटर ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 50 मीटर, ग्राफ से भी कर सकते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ इक्वेशन से कर रहे हैं, अपना डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे फॉर्मूले से आता है, डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। बाद में ग्राफिकल भी बताऊंगा उसका सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन में मास्टर हो जाए फिर ग्राफ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो कल कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें एन एस सेकेंड का फॉर्मूला यूज होगा,
हाँ स्नेहा आपका आंसर सही ना हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो बेटा, थोड़ा सा कहीं पे गड़बड़ आ रहा है आपका आंसर में। हाँ नविया सही आपका आंसर है। है ना, बस दो बार फॉर्मूला यूज करने आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कि जैसे आप इसने बोला है कि दिस बॉडी कवर 20 मीटर इन द 7 सेकंड, तो आप एनएस सेकंड का फॉर्मूला यूज कर लो, एनएस सेकंड का फॉर्मूला ये तो होता है ना, एनएस सेकंड का फॉर्मूला होता है यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। अब ए और यू आप मुझे नहीं पता है कितनी है ना, ए और यू के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बेटा। सही तो आपने आंसर निकाला था स्नेहा पहले, फिर बाद में गलत क्यों कर रहे हो, सही निकाला आपने आंसर, डिस्टेंस जो कवर आपने पहले आंसर अपने सही निकाला, ये आपका यू और ए कितना है मुझे नहीं पता है लेकिन एन और एस पता है, तो इसको तीन बार इक्वेशन बना लो, तो पहली बार इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपका ये आ जाएगा कि भाई पहले इसने 20 मीटर किया इन 7 सेकंड, यू और हाफ ए तो मुझे नहीं पता है लेकिन एन की वैल्यू 7 है, 2 × 7 - 1 आ गया। फिर इसने किया 24 मीटर इन 9 सेकंड, ये चीज 24 हो गई, यू और हाफ ए तो सेम ही है, अब ये आपका हो गया 2 × 9 आ गया माइनस वन। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपका यू और ए आ जाएगा ना, इन दोनों को सॉल्व करके हम यू और ए निकाल लेंगे और उस यू और ए को थर्ड में यूज कर लेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द 15 सेकंड, वो आपका हो जाएगा यू प्लस हाफ ए इंटू टू इंटू 15 - 1, तो जो आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यू और ए की वैल्यू निकाली होगी उसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, विल गेट योर आंसर। हैं भाई टू इक्वेशंस टू अननोन्स हैं तो सॉल्व करके आंसर तो आ ही जाएगा, है ना, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। है ना, तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 36 मीटर आता है आपका, कि अगर ये 7 सेकंड में, 7 सेकंड का मतलब हो जाएगा 6 से लेकर 7 के बीच में, अगर ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है और 9 सेकंड में 24 मीटर कर रहा है, 9 का मतलब हो जाएगा 8 to 9 के बीच में 24 मीटर कर रहा है, तो 15 सेकंड मतलब 14 और 15 सेकंड के बीच में 36 मीटर कर रहा है ना, तो हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अलग है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसा होता है कि हर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अलग अलग हो सकता है, इसीलिए आपने सॉल्व कर लिया 36 मीटर आ जाएगा, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, तो एन एस सेकेंड को हम इस तरह से यूज करते हैं।
ठीक है क्या, तो इसको 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है लेकिन थोड़ी सी स्किल्स हैं उसमें। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने एक शो किया था आपको, ये वाला है ना, थोड़ा सा देखो कैसे करोगे इसे। इसमें भी एनएस सेकंड का ही फॉर्मूला लगेगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही किया आपने। हाँ ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल्स हैं इसमें और तो कुछ है नहीं, है ना भाई। देखो क्या है, एनएस सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, तो इसने बोला है कि बॉडी मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी यू, है ना। तो टीएस सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपका हो जाएगा इतना, टीएस सेकंड का मतलब टाइम की वैल्यू टी सेकंड है,
यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन, ये तो टी एस सेकेंड में ही करेगा डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। इसको हम ऐड करते हैं जो टी प्लस एन एस सेकेंड में करता है, तो टी प्लस एन एस सेकेंड का मतलब यहाँ पे टी की जगह पे टी प्लस वन पुट कर देना है, यू प्लस हाफ ए इंटू टू इंटू टी प्लस वन हो गया माइनस वन। यहाँ पर गया कि भाई टी सेकेंड में इसने इतना ट्रेवल किया, जब इस टी की जगह पे टी प्लस वन सेकेंड हो गया तो इतना किया। अब दोनों का जो सम है वो बोल रहा है हंड्रेड है, तो टी सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी ये प्रूफ बताना है आपको। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, आपका खुद ही आ जाएगा आंसर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका आंसर में, इक्वल टू हंड्रेड ऐसा आ जाएगा। ये टी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया टी एस सेकेंड में, और ये टी प्लस वन सेकेंड में हो गया, दोनों का सम हंड्रेड है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, जैसे यू प्लस यू हो गया तो टू यू हो जाएगा, फिर टू बाहर आ जाएगा, ऐसी अंदर वाली चीजों में भी 280 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब आप देखो ये u प्लस 80 क्या होता है, ये u प्लस 80 तो v होता है, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड, u प्लस 80 तो v होता है वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड। तो यहां से u प्लस 80 की वैल्यू कितनी हो गई v, जो कि आपकी 100 बाई 2 आ जाएगी, मतलब 50 मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसका आंसर 50 मीटर पर सेकंड होगा। तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं इसमें, बस यहीं पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, उस तरह सबका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं बेटा, देखो फॉर्मूला हमने यूज किया कि भाई इसने बोला टी एस सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इतना होगा, तो एन की जगह पे टी पुट कर दिया, टी प्लस वन सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इतना होगा, टाइम की जगह पे एन की जगह पे टी प्लस वन पुट कर दिया। अब इन दोनों का जो सम है वो उसने बोला हंड्रेड है, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द टी एस सेकेंड एंड टी प्लस वन सेकेंड इज हंड्रेड। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको वो चीज आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से आप देखो ये टू टू तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यू प्लस एटी माइनस ए प्लस, यहाँ पे भी टू टू कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं नहीं ऐसे कैंसिल नहीं होगा सॉरी, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है ना, क्योंकि ऐसे टू कैंसिल थोड़ी होगा तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको आप इग्नोर करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी ये चीज आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ ये वाली, है ना। तो 100 के इक्वल है तो यू प्लस 80 की वैल्यू 50 आ जाएगी, सीधे आपने कर लिया ऐसे, है ना। इस तरह से ट्रिक यूज किया आपने थोड़ा सा इसमें, है ना। तो आपको लगेगा कि वेलोसिटी कैसे निकालूं, यू और ए तो दिया ही नहीं हुआ है, तो अपने आप ही यू प्लस 80 आ गया जो वेलोसिटी होता है टी टाइम के बाद, तो इस तरह से कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो कर ही चुके हैं हम। हाँ ये क्वेश्चन जरा सा सॉल्व करो आप, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आने ही आना है एग्जाम में आपके, है नीट में आ सकता है, स्कूल्स में आ सकता है, कहीं ना कहीं आएगा जरूर, इससे मिलता जुलता यही क्वेश्चन से। हाँ रितिका रानी और आंसर इसका, बच्चों को याद भी रहता है इनफैक्ट ये क्वेश्चन। नव्या सही आपका आंसर, आप कैसे सॉल्व किया मुझे नहीं पता, आंसर आप लोगों का सही आ रहा है। हाँ रुबाब फैजी योर आंसर इज करेक्ट, नाम तो बड़ा अच्छा है यार आपका, गुड। ठीक है सही आंसर कर रहे हैं, है ना। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आएगा एलटी के फ्रेश पेज, उसमें मैं इसको बताता हूँ आपको, मैं है ना उस पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैं, है ना कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। वो क्या है सिचुएशन ये थी, पहले सिचुएशन फिजिक्स में हमेशा प्लॉट करते हैं हम, यहाँ पे कोई पर्सन था, यहाँ पे एक बस थी, बस और पर्सन के बीच में जो ना डिस्टेंस है ऐसे, हाँ तो क्या करता है बस रेस्ट पे थी पहले, है ना कि बस क्या थी वैसे कि आपकी ये रेस्ट पे थी, है ना, और पर्सन जो था वो यू से स्टार्ट करता है दौड़ना, कॉन्स्टेंट यू से, लेकिन रेस्ट से इसके ऊपर एक्सलेशन ये लगता है भाई, रेस्ट से एक्सलेट होगी ना ये भाई, पर्सन तो दौड़ते दौड़ते आ रहा था, जब ये एस डिस्टेंस पे बस से पहुंचा तो अचानक बस स्टार्ट होकर चलने लगी विद एक्सलेशन ये, तो इसने बोला है कि यू की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ही कैन कैच द बस, कितनी मिनिमम स्पीड से दौड़े ये कॉन्स्टेंट स्पीड से सो दैट ही कैन कैच द बस, है ना कि भाई एक मिनिमम स्पीड से कम करेगा तो बस आगे निकल जाएगी, कैच नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा करेगा तो कर सकता है, हाँ तो देखो ये इस सब में फॉर्मूला जो यूज होगा ना वो ये यूज होगा एस स्क्वायर टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि किसी केस में अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब यू की वैल्यू जीरो होती है, अगर यू की वैल्यू जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसी का उल्टा सही है किसी केस में अगर एक्सलेशन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी यूटी हो जाएगी, हाँ दोनों में वेरिएशन हो सकते हैं। तो देखो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था तो अभी टी स्क्वायर जीरो पे तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, किसी टी टाइम के बाद बस यहाँ पहुंच जाएगी ना, और बस जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट की थी तो ये ट्रेवल करेगी हाफ ए टी स्क्वायर, ना कि हाफ ए टी स्क्वायर से आगे चली जाएगी। अब अगर इस पर्सन को अगर ये टी टाइम पे यहाँ पे आ गया, टी स्क्वायर जीरो पे यहाँ पे था, ये पर्सन भी टी स्क्वायर जीरो पे यहाँ पे है, अगर इस पर्सन को बस को कैच करना है तो उसको तो ये पूरे डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना, उसको ज्यादा करना पड़ेगा ना कि भाई बस तो आगे चलेगी, पहले भी गैप था तो पूरे डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो एस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट थी तो कॉन्स्टेंट अगर वेलोसिटी रहती है एक्सलेशन जीरो होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो भी होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल हो जाता है,
मतलब ये यू इंटू टी के इक्वल हो जाएगा, है ना। इतना हो सकता आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन सोच के करना है आपने कि भाई ये हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पहुंच गया, तो अगर इस पर्सन को करना है तो उसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से सेम टाइम में। उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो उतना करना पड़ेगा, वेलोसिटी यू थी टाइम टी में, तो यू टी की वैल्यू ये पूरा ये हो जाएगा, है ना। इसको आप यूटी ले लो, यूटी लिख लो इसे, कि अगर ये यू से जा रहा है कॉन्स्टेंट से तो टी टाइम में ये अगर पर्सन यहाँ पहुंच गया तो इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो यूटी की, और ये यूटी इसके इक्वल होगा तभी उसको कैच कर पाएगा। लेकिन यहाँ से भी स्लो सोल्यूशन तो कुछ आया नहीं ना, इससे तो एक इक्वेशन आ गई, इससे एक इक्वेशन आ गई ए टी स्क्वायर माइनस टू यू टी। एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलो बेटा? तो हम थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? थर्ड इक्वेशन से डायरेक्ट कैसे करोगे आप बताओ मुझे। तो v स्क्वायर मतलब u का तो जीरो हो गया ना, तो v की वैल्यू रो 2as आ गई। नहीं नहीं ऐसा वो बेटा वो सही नहीं है, वो कांसेप्ट सही नहीं है, भले फार्मूला सेम आ रहा है, मतलब उसको यूज करने का कोई लॉजिक नहीं। देखो मैं कहीं भी v बोल रहा हूँ क्या, मैंने यहाँ पे कितनी वेलोसिटी इसकी तो बात ही नहीं की कभी मैंने, उससे आ जाता है एक्चुअली में, मतलब उस तरह से आंसर मैच कर जाता है यू स्क्वायर प्लस टू एस से, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो सही अप्रोच नहीं। इसलिए मैंने बोला ना कि इसका आंसर तो आ जाता है लेकिन वो कोई अप्रोच सही नहीं होती है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, बाद में उसको ध्यान रखते हैं। तो ए टी स्क्वायर माइनस टू यू टी आ गया प्लस आपका टू एस हो गया इक्वल टू जीरो। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है भाई, आपने बोला कि ये किसी टी टाइम पे अगर जाके इसको ये कैच कर रहा है तो उसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी, और वो टाइम अगर रियल है तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए, है ना। कि अगर फॉर रियल टाइम में अगर ऐसा हो रहा है फॉर रियल टाइम देन रूट्स ऑफ इक्वेशन शुड बी रियल। ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वेशन शुड बी रियल। भाई आपने बोला ऐसा कि सिचुएशन होगी ये अगर फुलफिल होगा तो कैच कर सकता है, लेकिन ऐसा किसी रियल टाइम में तभी होगा जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम के रूट्स रियल होंगे, और रूट्स रियल करने के लिए आपको बताया कि बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 4ac होता है ना फॉर रियल रूट, अदरवाइज तो इसका उल्टा होता है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। ये वाली इक्वेशन जो होती है आपने पढ़ा होगा, इसका जो सोल्यूशन होता है, हाँ, तो इसमें रूट्स रियल तभी होंगे जब ये फुलफिल होगा। आप यहां से देखो बी की जगह पे ये आ गया, ये चीज बी तो है तो बी की जगह पे माइनस टू ए आ गया स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, फोर ए की जगह पे तो ए ही है, सी की जगह पे आपका 2s आ गया, हाँ सी की जगह पे क्या आ गया इसलिए आपको, सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने इसमें, ये यू है सॉरी, यहाँ पे ये चीज यू थी ना, टू यू स्क्वायर ये आपका गया। हाँ कि ऐसा रियल टाइम में तभी पॉसिबल होगा जब इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। कई बार रियल रूट्स के कंसेप्ट आपके हायर लेवल में यूज होते हैं, तो यहाँ से आप देखो क्या आ गया कंडीशन, 4u² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द 8as, मतलब u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द, है ना, कितना आ गया आपका देखो 2as, मीन्स u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2as, है ना। मतलब इसकी पर्सन की जो वेलोसिटी है ना u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द रूट 2s, मतलब पर्सन की वेलोसिटी इस रूट 2s से ज्यादा हो या उसके जस्ट इक्वल हो तो कैच कर सकता है। तो उसने बोला मिनिमम, मिनिमम का मतलब रूट 2s ले लेंगे उसमें, तो जो मिनिमम होगा वो u की वैल्यू रूट 2s होनी चाहिए। स्टूडेंट को याद, एक्सक्यूज मी सर, सर ऐसे नहीं सोच सकते कि पर्सन का, अगर पर्सन की वेलोसिटी बस की वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो वो कैच कर सकता है बस को, तो नहीं बस को ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। कैच करने का मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी सेम होना हो। सो कैन यू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, समझ लो मेरे बात कि भाई यहाँ पे जब ये इसको कैच कर रहा था ना तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो कोई जरूरी नहीं है भाई, इसकी वेलोसिटी तो यू है, इसकी वेलोसिटी रूट टू एस होगी वैसे एस डिस्टेंस, लेकिन एस जो है उसको इससे क्या मतलब है वो भी नहीं सही है। सर पर्सन की वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं होगी ना, वो तो कांस्टेंट है, पर्सन तो कांस्टेंट है, वो तो यू से ही पहुंच गया, बस की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी,
बस की यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, कैसे निकालोगे आप बस की? थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर एस पे था इसलिए तो v इज इक्वल टू √2a हो गया। लेकिन इसमें जो s है वो क्या ये वाला s है जो दिया हुआ है? नो सर, ये तो फाइनल है ना, वो तो वो s इनिशियल सेपरेशन वाला। हां वो तो ये वाला है ना, तो इस तो लॉजिक जल्दी यूज कर सकते, इसलिए ज्यादा चाहते इसको d ले लेते हैं हम, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है ना। ये सही है, मैं d कर दूंगा अगली बार, है ना भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि भाई ये पर्सन किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से यू से जा रहा था, है ना। तो ये जब यहाँ पहुंचा तो इसने देखा कि बस स्टार्ट होकर एक्सलेट हो गई, तो किसी टी टाइम में बस यहाँ पहुंच गई, तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। अब सेम टी टाइम में पर्सन वहां पहुंचेगा तभी तो कैच करेगा, तो अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट यूटी हो जाएगा। अब ये यूटी डिस्प्लेसमेंट जो है इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी वो कैच करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर कैचिंग द बस, ये तो कंडीशन आ गया, उस कंडीशन से एक इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन ऐसा किसी रियल टाइम में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इससे टाइम की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। तो रियल टाइम में ये पॉसिबल तभी होगा जब इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, है ना। रूट्स रियल तब होते हैं जब बी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू द 4ac, है ना। तो आपने पुट कर दिया यहाँ से, इस तरह से आ गया कंडीशन, कंडीशन कैचिंग बस के लिए ये कंडीशन होती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2s, ना। तो इस तरह से कर सकते हैं, तो चूंकि मिनिमम पूछा हुआ था तो इसलिए रूट टू एस आ जाएगा आंसर। तो इतना लंबा डिस्कशन, थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे है, अदरवाइज स्टूडेंट इसको याद ही रखते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन आपने जिस मेथड से सोल्यूशन दिया है वो सही नहीं है, है ना। दोनों ने जो मुझे बताया वो सही नहीं है सोल्यूशन, है ना। भले ही आंसर मैच कर रहा है लेकिन इस तरह से करना पड़ेगा। रियल रूट की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं अभी और दूंगा, पहले घर पे जाके थोड़ा सा इसको समझना, इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको अगले क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतनी काफी है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। तो थैंक यू सर। हम फ्री फॉल पढ़ेंगे, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसे हर क्लास में एक एक टॉपिक होता जाएगा, तो आप पेज नंबर नोट कर लो बेटा, आज का पेज नंबर जो हो गया आप थोड़ा आगे बढ़ गए पेज में, है ना। कल मैंने बताया था पेज नंबर आपका 126 तक, अब आपको पढ़ना है 127 से लेके 130 तक। तो आज का होमवर्क है 127 से लेके 130 तक, इसके बीच में जो भी एग्जांपल्स हैं, है ना, थ्योरी है और इन चैप्टर एक्सरसाइज है, सारे सॉल्व कर ले, ऐसा करते चलो। तो ये आपको पढ़ना है मॉड्यूल से, है ना। ये करके आओगे तो अपने आप ही अच्छी चीज आ जाएगी, राइट। तो दैट्स ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.